हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं आर्टिस्ट ऋतिक शर्मा। सो आज की वीडियो में आप देख ही रहे होंगे मैं क्या बनाने वाला हूँ। मैं बनाने वाला हूँ कॉमिक आर्ट, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें कलरिंग करने वाला हूँ अपने ये फेवर कासिल कनेक्टर पेन से। इनको मैंने अराउंड 2018 में ही ख़रीदा था और तब से ये आज तक बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, और मैंने इनसे बहुत सारे कॉमिक आर्ट्स किए हैं। ये मेरे पास 50 शेड्स में हैं और मैं इनको बहुत ही केयर से रखता हूँ, जैसा कि आप लोग कंडीशन देख के कह सकते हैं। सो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आप भी अपने ड्राइंग मटेरियल्स को एकदम केयर से रखिए, क्योंकि यही आर्टिस्ट की जान होती है। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये वीडियो दो पार्ट्स में रहेगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा जो इसका इंकिंग पार्ट है वो दिखाऊंगा, एंड दूसरा जो पार्ट है वो कलरिंग पार्ट होगा। फिलहाल तो यहाँ पे मैंने स्केचिंग कंप्लीट कर ली है, जो कि मैंने यहाँ से इंटरनेट से जो इमेज डाउनलोड करी थी डेडपूल की। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं जो है इंकिंग प्रोसेस जो रहेगी वो मैं करूँगा फेवर कासिल के ये इंक वाले पेन से, एंड लास्ट में मैं आपको इनका रिव्यू भी दूंगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिए और देखिए अच्छे से कि मैंने किस तरीके से ये इंकिंग प्रोसेस की है। वैसे तो ये मेरे पास जो फेवर कासिल के हैं ये मैक्रोन्स के ही अल्टरनेटिव हैं, बट मुझे मैक्रोन से ज़्यादा ये फेवर कासिल के पसंद आ रहे हैं, क्योंकि इनसे जो मैं इंक प्रोसेस करता हूँ, मतलब इंकिंग जो करता हूँ अपनी ड्राइंग में, उससे एक अलग ही लुक आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है स्केचिंग वर्क थोड़ा सा रह गया है वो मैं थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ, जिसका आगे थोड़ा सा टाइम लैप्स है अराउंड 20 सेकंड्स का मे बी, एंड उसके बाद हम इसमें इंकिंग प्रोसेस भी करते हैं अपना जो भी रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्केचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। सो हमने अपनी ड्राइंग को जो है फाइनल टच दे दिया है यहाँ पे, मतलब पूरी की स्केचिंग जो है कंप्लीट कर दी है, एंड यहाँ पे मैंने हेड में थोड़ी सी आउटलाइनिंग भी कर दी है पहले से ही। एंड मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 0.6 वाला अपना फेवर कासिल का पेन, एंड जो आगे का प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम लैप्स है, तो इन्जॉय कीजिए पूरी वीडियो। सो गाइज, फाइनली हमारा जो इंकिंग वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा डेडपूल भाई काफ़ी धांसू लग रहा है। सो जैसा कि आप यहाँ पे से देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो इंकिंग वर्क है वो मैंने इस वाले पिट आर्टिस्ट पेन से किया है, एंड ये वाला पार्ट वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि फ़ोन की बैटरी वो डेड हो चुकी थी, एंड मुझे लगा अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है। सो इस चीज़ के लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। एंड देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो मेरे पास फेवर कासिल के जो ये इंक वाले पेन हैं इनका रिव्यू देना चाहता हूँ। वैसे तो इनका अलावा माइक्रोन भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, बट उनकी प्राइस अराउंड 500 से 600 है, एंड ये जो है वो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे थे बहुत पहले, जिनकी प्राइस है 450, एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जो पिट आर्टिस्ट है इसके अलावा यहाँ पे ब्रश वाला भी आता है, इसकी जो निप होती है वो ब्रश वाली होती है, बट यहाँ मेरे पास जो है वो पिट वाला है, इसका नाम बोलते हैं पिट आर्टिस्ट। वैसे मुझे इसके बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं है, लिंक में मैंने मतलब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है। वैसे मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा यही, एंड माइक्रोन्स तो है ही हैं। सो ये तो हमारा पार्ट वन था, एंड पार्ट टू में हम कलरिंग प्रोसेस करेंगे अपने जो है जो हमारे कनेक्टर पेन जो हैं फेवर कासिल के उनसे। सो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, एंड वीडियो को लाइक करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपने डेडपूल भाई को पूरे तरीके से कलर करने वाले हैं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकलेंगे ये तो मैं कह सकता हूँ दावे से। अगर आप लोगों ने मेरे जो कॉमिक आर्ट देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का रिज़ल्ट देने वाला हूँ।
सो तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.